धन्यवाद धन्यवाद तो पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिनते परमेश्वर के नाम को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमको दिया ये पिता परमेश्वर, जो समय हमको प्राप्त हुआ है या आपके कारण हमने प्राप्त किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर हमारे को आप ही के पास में रखा है राजा। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी तारीफ आपके हम दोसना करते हैं पिता परमेश्वर। आपको पिता परमेश्वर हमारा बोलना हमारा सब समर्पण आपको पसंद आए पिता, धन्यवाद देते हैं धन्यवाद 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 होता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवित आशा के लिए पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ में हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमको जूतों की भूमि पर रखा है पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं जो ये अवसर को नहीं प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, और वह हमेशा के लिए सो गए हैं पिता, परंतु आज आपने हमको ये मौका दिया है पिता। ये जो घड़ी आपने हमको दी है पिता, ये पिता परमेश्वर यूं ही नहीं दी है, इसमें पिता परमेश्वर आपकी बहुत बड़ी योजना है कि हम आपके वचनों को किस तरीके से प्रचार करते हैं, किस तरीके से केवल और केवल प्रचार नहीं करते बल्कि उसके अनुसार हम अपने जीवन को किस तरीके से आत्मिकता की ओर मोड़ते हैं पिता, आत्मिकता की ओर पिता परमेश्वर चलते हैं पिता। हमारे रास्ते को बदल कर पिता परमेश्वर हम वो रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो सचमुच में जीवन की ओर ले जाता है पिता परमेश्वर। ऐसा जीवन जो ना ही कभी बदलेगा ना ही कभी पुराना होगा और ना ही उसमें कोई दाग या झुर्रियाँ पड़ेगी, ऐसे जीवन की ओर पिता परमेश्वर हम ताकते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि हम ये जो भी कुछ बोल रहे हैं या हम ये जो भी कुछ पिता परमेश्वर आपके अधीन होकर काम कर रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि आपको पिता परमेश्वर हमारी संगति पसंद आए पिता परमेश्वर। हम केवल पिता परमेश्वर दिखाने के लिए ना बोलें और पिता परमेश्वर हम हमारे बढ़ाई के लिए ना बोलें, परंतु पिता परमेश्वर हम घटते चले जाएं पिता और आप हम में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर जो आपने आज हमको ये पाक रूह से पिता परमेश्वर जो ये वचन को तैयार करने में मदद की है पिता, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि ये वचन पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर अपने बुद्धि से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर एक पवित्र आत्मा के सहायता से पिता परमेश्वर हमने ये वचन को तैयार किया, और पवित्र आत्मा के सहायता से ही हम ये वचन को लोगों के सामने पेश कर सकें पिता। पिता परमेश्वर ये जो पेज पिता परमेश्वर ये जो प्लेटफॉर्म पिता परमेश्वर आज हमारे लिए खोला गया है पिता परमेश्वर, उसके लिए दिल के गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर जो हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे ये प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसके लिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें पिता परमेश्वर यह अवसर दिया कि ये प्लेटफॉर्म के जरिए पिता परमेश्वर अनेक लोगों तक प्रभु का सुसमाचार जाने वाला हो, क्योंकि पिता परमेश्वर यहाँ हम किसी के नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं या यहाँ हम केवल बातचीत करने के लिए नहीं, पर केवल और केवल यहाँ पर मैं हूँ और मेरा पिता परमेश्वर है कि मेरे जुबान पे वो कंट्रोल करते चले जा रहा है पिता, मेरे जुबान को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के लिए चुनता जा रहा है पिता। इसलिए दिल के गहराई से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने जो ये मौका दिया उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो भी कुछ बोलें वो आपके अनुसार हम बोलने वाले हो सके।
पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे और हर प्रकार के पिता परमेश्वर डिस्टर्बेंस को, हर प्रकार के आने वाले पिता परमेश्वर कॉल्स को, हर प्रकार की जो घटनाएं ऐसी आएगी जो हमें आपसे दूर ले जाना चाहेगी, इवन पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर डिस्टर्बेंस जो पिता परमेश्वर होता है, इंटरनेट का नेट का जो प्रॉब्लम आता है, तो पिता परमेश्वर वो नेट के प्रॉब्लम को भी पिता परमेश्वर मैं आपके अधीन रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर, मैं अपने मुंह का समर्पण आपको करती हूँ पिता परमेश्वर, कि ये मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर केवल नुमाइश के लिए हो पिता परमेश्वर, बल्कि जैसा मेरा जीवन है, जैसा मैं मुझे आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके अनुसार ही मैं आपकी पिता परमेश्वर वचन से बात करने वाली हो सकूं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया को और शबनम को और उनके दोनों बच्चों को आपके समर्पित करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो जो आपकी तारीफ करते हैं, आपके हमदोसन्ना करते हैं, उनके साथ में होइएगा पिता, और पिता परमेश्वर उन्हें पूरे तरीके से बहुतायत से आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करिएगा पिता। शारीरिक आशीषें तो उनके पास में बहुतायत से है, परंतु पिता परमेश्वर हम उनके लिए आत्मिक आशीषों को मांग लेते हैं, ऐसी आशीषें जो पिता परमेश्वर जितना भी पाए वो कभी भी पिता परमेश्वर कम ही होगी, और भी और भी और भी आशीषों से उनको नवाजिए। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मेरी आवाज़ आप लोग आ रही है या मैं कुछ मेरे मोबाइल के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है? अगर होगा तो कृपया मुझको बताइए, क्योंकि अभी मैं मेरे परमेश्वर के वचन को शुरू करने जा रही हूँ। कोई नेट का कोई डिस्टर्बेंस होगा या प्रॉब्लम होगा या मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी या ब्लर आ रही होगी, तो आप कृपया मुझको लिख कर बताइएगा। धन्यवाद हो पिता, सारी बाधाओं को मैं आपके अंदर में रख देती हूँ पिता, सारे डिस्टर्बेंस को मैं आपके अधीन रखती हूँ पिता, और आपके वचन को पिता परमेश्वर चालू करती हूँ पिता। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि शायद सब कुछ ओके है। ऐसे तो मैंने पिता परमेश्वर के हाथों में सबको सौंप दिया है, पिता परमेश्वर ही हमारा बोलना और हमारे वचन को पिता परमेश्वर के हाथों में, जो परमेश्वर का वचन है मैंने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है कि कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर के वचन को सुनाने में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आने पाए। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विपत्ति में परमेश्वर की कृपा, उसको लॉर्ड्स मर्सी इन एफ्लिक्शन, लॉर्ड्स मर्सी इन एफ्लिक्शन, और हिंदी में है विपत्ति में परमेश्वर की हम पर कृपा। आज मैं बहुत सारे वचनों का सहारा नहीं लूंगी, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस भी नहीं दूंगी, क्योंकि आज का वचन केवल और केवल मैंने साम 123:1-4, इसमें चार ही वचन है, एक से लेके चार तक ही है, और परमेश्वर के वचन को हम भजन संहिता 123 में पाते हैं हम। तो हम आज 123 के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। उसका जो हेडलाइन है, हेडिंग है, वो है दया के लिए प्रार्थना। उसका हेडिंग है वो दया के लिए प्रार्थना। तो आज हम जो इसका अध्ययन करेंगे उसमें आप सब मेरे साथ में हैं, ये सोचकर मैं पिता परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करती हूँ, और आप लोग सब पिता परमेश्वर के वचन को जो भी मैं दूंगी उसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो भजन संहिता 123 है ना, ये भी अध्याय जो है वो अनेक साम की तरह एक यात्रा का गीत है, यात्रा का गीत। यानी जब पहले के लोग जब कोई फीस्ट में जाते थे या कहीं कोई परमेश्वर का जो भी कुछ वो लोग मानते थे उसमें जब जाते थे, उस समय कोई भी ऐसे उसका अरेंज टूरिज्म तो था नहीं ना उस समय, और कोई भी ऐसा नहीं कि ट्रेन जा रही है या बस जा रही है या
लोगों के पास में कार है और वो कार में जा रहे हैं, इस टाइप की सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो उस समय लोग पैदल 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 चलते चले जाते थे, जहाँ पर भी फीस्ट होता था, जो जहाँ पर भी परमेश्वर का वहाँ पर जो भोज हुआ करता था वहाँ पर वो सब के सब मिलकर जाते थे। तो उस समय जाते जाते भी वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाना पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ में फालतू की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, एक दूसरे की बदनामी ना करते हुए वो पूरे तरीके से यात्रा में जब जाते हैं ना, तो यात्रा का गीत ही नाम है उसका कि यात्रा का गीत। तो उस समय वो परमेश्वर की स्तुति में गीत गाते हुए, गाना बजाते हुए, बाजा बजाते हुए वो लोग परमेश्वर के भवन में जाने के लिए निकल पड़ते थे। शायद उनको बहुत दिन भी लगते होंगे यरूशलेम, उस समय वो जा रहे थे और यरूशलेम में कोई फीस्ट टाइम था उस समय, और वो फीस्ट टाइम को ज्वाइन करने के लिए ये लोग सब वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर ये पैदल 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 या जो भी कुछ उनके पास में, शायद बैलगाड़ी होगी या जो भी कुछ होगा उनके पास में, उसमें वो लोग बैठ के या उनकी स्त्रियां बैठ के ऐसे जाते होंगे। वो तो पता नहीं है मुझे कि वो लोग कैसे जाते थे, पर आजकल के जैसी सुविधाएं उनके पास में नहीं थी कि उस समय कोई ऐसा फ्लाइट भी नहीं जाती है, या उस समय ऐसा भी नहीं कि फ्लाइट के इसमें हम दो घंटे में वहां पर पहुंच गए, या हम उनके पास में कार नहीं होती थी, या उनके पास में अनेक प्रकार की जो हम लोगों को आज सुविधाएँ मिली हुई है वैसी सुविधाएँ तो उनके पास नहीं थी बिल्कुल। यानी श्योर है कि वो सुविधाएं उन लोगों, वो सुविधाएं उससे वो लोग वंचित थे। फिर भी वो लोग एक्सक्यूज़ नहीं देते थे कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मेरी तो कार पंक्चर हो गई है, या मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं, या मैं प्लेन तो मेरा कैंसिल हो गया है, फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई है, और ट्रेन से तो भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेन से जाना यानी इतने घंटे का सफ़र कौन करेगा, हम तो भाई फ्लाइट से जाने वाले लोग हैं, एक या दो घंटे में हम पहुंचना चाहते हैं, 24 घंटे का सफ़र हमसे नहीं जमता। ऐसा कोई एक्सक्यूज़ उस समय के लोग नहीं देते थे परमेश्वर के समीप जाने के लिए, परमेश्वर के भोज में जाने के लिए, या परमेश्वर का जो भी कुछ समारोह होता था, जो भी कोई फीस्ट होता था उसमें वो पैदल 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 परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो लोग आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाते थे। ये हम हमेशा ही देखते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि भजन संहिता, यहाँ पे जो मैंने देखा है कि भजन संहिता 120 से लेकर तो 123 तक हम यही देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से प्रार्थना करते हुए और यात्रा में जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि फीस टाइम पर जा रहे थे वो लोग और परमेश्वर के गीत गाते हुए उस समारोह भोज में वो लोग जा रहे हैं। भजन संहिता के जो भजन हैं ये हमें परमेश्वर की ओर जाने से पहले की तैयारी, परमेश्वर की ओर जाने से पहले की तैयारी यानी प्रभु से मिलने के पहले अपने संपूर्ण मन की तैयारी कैसी हो, ये इस चीज़ का ज्वलंत उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर से मिलने को जा रहे हैं उसके पहले किस तरीके से हम अपने आप को सुसज्जित करें, परमेश्वर में किस तरीके से हम अपने आप की तैयारी करें, किस तरीके से हम अपना परमेश्वर के साथ में संपर्क बढ़ाते चले जाएं, उसके साथ में हम अपने संबंध को और भी ज़्यादा गहराई से लेते चले जाएं, ये भजन संहिता के जितने भी अध्याय हैं ना, जो यात्रा के गीत हैं ना, वो हमें यही दर्शाते हैं। अपनी मन की तैयारी वो पहले से करने लगते हैं और जब वो परमेश्वर से और उनके लोगों से मिलने जा रहे हैं तो उस समय वो किस तरीके से पहले ही अपने मन की तैयारी के लिए चलते चलते परमेश्वर के गीत गाते हुए, स्तुति गाते हुए, बड़े ही खुशी के साथ में, शायद गाना बजाना भी होता होगा, कुछ डफ या उस समय के जो भी कोई वाद्य है वो बजा बजा के उस तरीके से वो लोग जाते होंगे, जिस तरीके से दाऊद राजा को हमने देखा कि किस तरीके से जब उनका वाचा का संदूक जाता है तो किस तरीके से वो डांस करते हुए, वो नहीं शर्माता कि मैं राजा हूँ, वो नहीं शर्माते कि मैं राजा हूँ और मैं कैसे सड़क पर डांस करूँगा, पर परमेश्वर को धन्यवाद देने का उसका एक तरीका था और उसमें वो नहीं शर्माता। उस समय ज़रूर उसकी स्त्री उसको ये करती है कि तू तो राजा होके इस तरीके से नाच रहा था, डांस कर रहा था, उसकी मजाक उड़ाती है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप परमेश्वर की जिस तरीके से उसने उपासना करनी है उस तरीके से वो उपासना करता चला जाता है। आज के युग में हम देखते हैं कि जब हम
चर्च में प्रवेश करते हैं। ये मैं दाऊद के समय का बता रही हूँ कि किस तरीके से लोग अपने परमेश्वर के भवन परमेश्वर के पास जाने के पहले और उनके लोगों से मिलने के पहले किस तरीके से वो लोग अपने मन की तैयारी करते हैं। जब हम अपने आज के युग में जब हम अपने चर्च में जाते हैं तो क्या हम मन की तैयारी करते हैं कि हम शारीरिक तैयारी करते हैं? बतलाने के लिए बोलने के लिए ना आदमी बहुत बोलता है कि परमेश्वर से मिलने के लिए मैं पूरे तरीके से सुसज्जित होकर जाता हूँ। अब जाते भी हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं। परमेश्वर के पास जाने के लिए वो अपने पूरे आत्मिक रूप से अपने आप को सुसज्जित करते रहते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या कपड़े पहनूँ आज, ये तो मैंने पिछले इतवार को ही पहना था। अपने कपड़ों के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बनाव और श्रृंगार की ओर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आउटर लुक पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम हमेशा देखते हैं आउटर लुक पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उस दिन किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आज आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो, तो उस दिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे में क्या कमी थी आज कि किसी ने मुझ पर ये कॉमेंट्स नहीं किया। हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण जरूर करते हैं, परंतु उसको हम उसकी जुगाली नहीं करते। हम उसके वचन के ऊपर बाहर जाकर बिल्कुल नहीं बोलते। पास्टर को सिर्फ अच्छा लगे करके हम कहते हैं कि बहुत ही ब्लेसेड वचन था या बहुत ही सुंदर आपने बोला आज, परंतु ये जो हम जो बोलते हैं ना, बहुत सुंदर बोला आपने, या उनकी हम जो उनको भी अच्छा लगता है ना, परंतु क्या हमने अपने आप का उनके जो परमेश्वर का वचन उन्होंने सुनाया और शायद दो दिन से रात को बैठकर वो उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके प्रिपरेशन के लिए उनको कितनी बार आत्मिक रूप से अपने शरीर के अंगों को यानी उसका इनकार करना पड़ा होगा, उनका सब शरीर के जो भी अभिलाषाओं को उन्होंने दूर किया होगा। और उस तरीके से वो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जब पुलपिट पे चढ़े हैं तो हमारा केवल इतना बोलना कि बहुत सुंदर वचन बोला पास्टर साहब आज आपने, बहुत ही आशीषित वचन बोला परमेश्वर आज आपने। ये हर एक अपना अपना आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से समझ लीजिए कि हम सचमुच में सिर्फ उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं क्या, कि वह हमसे खुश हो जाए, कि वह हमसे प्रसन्न हो जाए। यहाँ पर जब हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारी जो पास्टर की मिसेस है वो एक से एक वचन डालती है, एक से एक कोट करती है, और उसका इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन लिखती वो कि मेरा तो कई बार दिमाग के ऊपर से जाता उनका। कितने बार मैं उसको पढ़ती रहती, कितने बार उसको मैं ट्रांसलेट करती रहती। परंतु हमारे पास्टर साहब का भी आता है, हमारे दो पास्टर हैं, एक असिस्टेंट पास्टर है, वो भी अपने वचन परमेश्वर के वचन को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। परंतु केवल उनकी तारीफ करना या आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड, बस यहाँ 7:23 पे अगर समझ जाओ हमारी पास्टर ने कुछ लिखा और 7:25 पे इमीडिएटली आमीन 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 अगर आने लगा, तो क्या हमने वो वचन को पढ़ा? क्या हमने उस वचन पे ध्यान दिया? अब ये यात्रा का गीत गाते हुए जो जा रहे थे वो लोग कितने थक जाते होंगे ना, उतने दूर पैदल 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 जाते रहते हैं, और वो भी गाना गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाते रहते हैं, तो भी वो पूरे तरीके से अपने आत्मा को तैयार करने, अपने प्रभु से मिलने के लिए संपूर्ण हृदय की तैयारी करके परमेश्वर के पास में जाते हैं। हम खुद अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हम क्या करते हैं। पॉजिटिव फेथ के बारे में तो इतना लोग, पॉजिटिव फेथ हमारा होना ही है, पॉजिटिव फेथ हमारा होना ही है, पर हमारी दिनचर्या, हमारा क्रियाकलाप, हमारा सोचना, हमारा लोगों को अप्रिशिएट करना, क्या
ये हमारी दिनचर्या में शामिल है। हमें तो केवल परमेश्वर को अप्रिशिएट करना है कि परमेश्वर तूने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं तेरे वचन से कुछ बोल सक रही हूं, और जो भी मेरे में कमी है वो कमी को तू पूरा कर, वो कमी को तू पूरे तरीके से खत्म कर दे, और मुझे पूरे तरीके से किस तरीके से मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करूं इसका तो रास्ता मुझको दिखा। ये हमसे, हमें परमेश्वर के सामने विनती करनी है। तो ये जो अध्याय है वो एक्चुअली देखा ना जाए ना बहुत छोटा सा अध्याय है, इसमें केवल चार ही वचन है, चार ही वचन है, परंतु इसमें जो प्रार्थना की शक्ति दिखाने का एक उत्तम उदाहरण है ये 123वां, जो प्रार्थना की शक्ति जो दिखाता है उसका ये एक उत्तम उदाहरण है, जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मिक आनंद देता है। वही जो अभी मैंने शब्दों से जो बताई आपको कि किस तरीके से सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, सिर्फ आमीन प्रेज द लॉर्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज या व्हाट अ वंडरफुल मैसेज कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी तो तुमने मैसेज सुना, तुमने तो आत्म परीक्षण भी नहीं किया कि ये वचन मेरे लिए क्या बोल रहा है, ये वचन के द्वारा मैं मेरा पॉजिटिव फेथ को मैं कितना बढ़ा सकती हूँ। पॉजिटिव फेथ के ऊपर बोलने के लिए क्या जाता है, हम डायरेक्ट उदाहरण यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का देते हैं। क्या हम पर जो मुसीबत आएगी ना, या हम पर जो शारीरिक मुसीबतें भी आती है ना, उस समय हम कितना डट के रहते हैं। एक दिन की मुसीबत, दो दिन की मुसीबत, छह महीने की मुसीबत चल जाती है, लंबी मुसीबत में हम कितना परमेश्वर के समीप रहते हैं, और उस समय जब हमारे साथ में कोई नहीं होता, कोई लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं नौकर को रखना, सर्वेंट को रखना या केयर टेकर को रखना, नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या वो सचमुच में आत्मिक रूप से गीत गाते हैं उस समय, क्या वो सचमुच में आत्मिक रूप से उन्मादित रहते हैं उस समय? यह हमको सोचने की बात है कि हम क्या करते हैं उस समय, है ना। तो आत्मिक आनंद होता है, विशेषकर जब हमारी आवश्यकता ऐसी होती है या हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं उस समय, है ना। बहुत ज्यादा समझ जाओ हम दुख भरे प्रसंगों से गुजर रहे हैं, और हम ऐसे घिरे हुए हैं कि उस समय हमारा दिमाग नहीं चलता कि हमने क्या करना है, किस तरीके से हमारे प्रिय व्यक्ति को हमको बचाना है, या किस तरीके से हम प्रिय व्यक्ति के साथ में अपने आप को समर्पित करना है, किस तरीके से हमको उसकी सेवा करना है। सेवा करते 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 मनुष्य थक जाता है, आखिर वो भी मनुष्य ही होता है और वो भी कमज़ोर हो जाता है, और उस समय बोलना कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, कहीं ना कहीं विश्वास जरूर डगमगाता है प्रियो। अगर इस तरीके से पूरा चर्च ही कह दे कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और मेरा पॉजिटिव फेथ है, तो फिर सकरे मार्ग पे जाने के बाद परमेश्वर ने किया ही क्यों होता, क्योंकि हर कोई सकरे मार्ग से जा रहा है भाई। उस समय हमको ऐसा गिल्टी लगता है कि भाई मैं तो सकरे मार्ग से जा रही या नहीं जा रही, सब लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, मैं तो नरक में चली जाऊंगी। जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर हम बहुत ही आत्मिक रूप से विचार करें ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आमीन या थैंक यू या प्रेज द लॉर्ड बोलने की ज़रूरत है। अगर वो मुझको इफेक्ट करता है तो ही वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे दुख भरे प्रसंगों में जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों से चलते, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं, हर कोई दुखी है दुनिया में, परंतु किसी का दुख टाइम बीइंग होता है, किसी का दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और उस समय उस व्यक्ति की सेवा करने में आदमी इतना ज्यादा मशगूल रहता है कि कहीं वो गिर न जाए, कहीं उनको कुछ हो न जाए, उनके दवाई का समय हो रहा है, उनका खाना भी मुंह से नहीं जा रहा है। तो उस समय अगर कोई हमारे यहाँ आए परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आता है, उस समय हम चाहते हैं कि परमेश्वर से ये प्रार्थना तो करे पर जरा सा छोटी करे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम अपनी ही उलझनों में फंसे रहते हैं। और वो जो प्रार्थना करने को लिए आते हैं वो आत्मिक रूप से भरे हुए होते हैं, वो आकर हमारे घर में इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हम जो दुख और तकलीफों से गुजरते हैं ना,
उस समय प्रेयर से एक सांत्वना मिलती है। जो बीमार व्यक्ति है उसके भी लिए प्रार्थना जब की जाती है तो वो बीमार व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। परंतु हमारी परिस्थितियाँ इतनी विकट होती है ना, इतनी विकट होती है हमारी परिस्थितियाँ कि हम शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते, शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। हम हृदय से कराहते रहते हैं, हम हमारे कष्टों में फंसे हुए रहते हैं। हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई आकर बड़े दिल से, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये कि कोई तो हमारे घर में आए, कोई तो हमारी पूछे, हमारे दुखों को देखे, हमारी तकलीफ़ों को देखकर ये तो अंदाज लगा ले कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और आकर हमारे लिए फर्वेंटली प्रेयर करे, कराहते हुए प्रेयर करे, जिससे कि वो दर्द वो व्यक्ति खुद सहन कर रहा है। इस तरीके से वह हमारे लिए प्रार्थना करें। जब कोई व्यक्ति दर्द से गुजरता है ना, उसका समझ जाइए दर्द खत्म हो गया, वो दर्द से बहुत गुजरा, बहुत गुजरा। पर वो जब सामने वाले व्यक्ति के लिए जो दर्द में रहता है ना, जो सचमुच में दर्द में रहता है, उस व्यक्ति के लिए जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है जिसने पहले बहुत दुख भोगा है, उसकी प्रार्थना कराहते हुए निकलती है, उसकी प्रार्थना फर्वेंटली होती है। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, दावा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं वो स्थिति से गुजरी हूँ। और कोई जब बीमार होता है या जब किसी के साथ में कुछ होता है, मेरा दिल दुख जाता है, टूट जाता है। वही है यात्रा का गीत। इतने कठिन परिस्थितियों में, इतने क्या उस समय तो पक्के रास्ते भी नहीं होंगे, उस समय तो पगडंडियाँ होंगी, उस समय तो कांटों में उनको चलना पड़ता होगा, फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए जाते हैं। आज हमको कोई दो दिन बोल दे कि तू पैदल चल, लगे तो अच्छी सीमेंट के रास्ते पे चल, अच्छे बढ़िया चिकने रास्ते पर चल, पर दो दिन चल, क्या मैं और आप जाएंगे? मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ बोल देना कि हाँ मैं जाऊंगी, या मैं बहुत विश्वास करती हूँ परमेश्वर पे, हर कोई विश्वास करता है, पर पॉजिटिव फेथ की बात बड़े ही गर्व के साथ में बोलना, अरे क्रूस पर मृत्यु, क्या है क्रूस पर की मृत्यु? हमको तो एक अगर कांटा बिगड़ जाता है, या हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, या हमारे पाँव में दर्द हो जाता है, हमारे अगर समझ जाओ बाएं हाथ में दर्द हो जाता है, हमें तो पहले लगता है कि कहीं मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर हमको कहीं ऐसा फोड़ा हो जाता है जो दुखता नहीं है, हमको पहले लगता है कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो रहा। ये पॉजिटिव फैक्ट नहीं है। हर व्यक्ति शरीर में कमज़ोर है, पर हाँ पिता परमेश्वर का सहारा लेना और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना कराहते हुए कि जैसे ये दुख मैंने खुद भोगा है, ये दुख क्या है, ये वो व्यक्ति जब तक नहीं जानेगा तब तक वो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलती, कई ऐसे हमारे पास्टर साहब खुद हर एक के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं, रात दिन दोनों मिस्टर मिसेस प्रार्थना करते रहते हैं, जबकि उनको समय नहीं होता है, फिर भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये है परमेश्वर की ओर, ये है परमेश्वर के पीछे भागने की चाहत। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करते चले जाते हैं। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे ना, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा सकरा है वो मार्ग जो मेरे पास आता है। हर कोई सकरे मार्ग पे जाएगा, परंतु हमेशा हम जो पिक्चर्स देखते हैं सकरे हुए मार्ग पे, एक आध व्यक्ति ही जाता है। जाने दीजिए, हम उस व्यक्ति की तरह बिल्कुल करहा के प्रार्थना करते हैं। अब हम देखते हैं वचन एक। वचन एक में लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देखिए, हे स्वर्ग पर विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। ये सब लोग यात्रा में निकले हैं, यरूशलेम में भोज है, यरूशलेम में फिस्ट है, कोई त्यौहार है यरूशलेम में, और ये लोग सब यात्रा में लिखे हैं, और वहाँ वो कहते हैं कि हे स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। क्या वो थके नहीं थे?
क्या उन्हें तब जाने में तकलीफ नहीं हो रही थी? तो भी वो कहते हैं कि मेरी आंखें मैं परमेश्वर की ओर लगाता हूं, और परमेश्वर की ओर लगा के नीचे नहीं देखते हैं वो लोग। उनकी आंखें परमेश्वर की ओर ऊपर रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊपर है। हमारा परमेश्वर हमारे पांव के पास थोड़ी है, जो हम नीचे देखकर प्रार्थना करते हैं वहां थोड़ी है हमारा पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर तो ऊंचे पर विराजमान है, और इसीलिए वो कहते हैं कि उनकी आंखें जो होती है ना, वो पर्वतों की ओर नहीं लगी रहती, बल्कि उस ऊंचाई पर लगी रहती है, पहाड़ से भी ऊंचे परमेश्वर पर वो लोग नजर लगाए रहते हैं। पहाड़ से भी ऊंचे जगह पर रहने वाले परमेश्वर की ओर वो नजर लगाए रहते हैं। जब हमारी परिस्थिति सकारात्मक होती है ना, हम प्रेयर की बहुत बातें करते हैं। सकारात्मक परिस्थिति, मैं फिर बोल रही हूँ, सकारात्मक परिस्थिति, हम खूब प्रेयर की बातें करते हैं कि पिता परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसी आशीषें दी, पिता परमेश्वर ने मेरे साथ में वैसी आशीषें दी, पिता परमेश्वर ने मेरे बेटे को अमेरिका भेज दिया या मेरी बेटी को अमेरिका भेज दिया। ये सब आशीषें हम आत्मिक आशीषों में शामिल करते हैं। जो है भी, पिता परमेश्वर ने अगर हमारे बच्चों को ऊंचे स्थान के लिए चुना है तो वो परमेश्वर की आशीषें हैं। परंतु ये मैं सब सकारात्मक बता रही हूँ अभी, परंतु जैसी परिस्थितियां बदलती है ना, परिस्थितियां नहीं बदलती ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां तो बदलती है। किसी के ऊपर छोटी तकलीफें आती है, किसी के ऊपर विकराल तकलीफें आती है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ये जो वचन है वो वही व्यक्ति कह सकता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों से अकेला गुजरा है, अकेला गुजरा है, उसके साथ कोई नहीं है। वही जानता है कि उसके साथ उस समय ऐसा लगता है कि पिता परमेश्वर ने भी मेरे दामन को छोड़ दिया, मुझको छोड़ दिया पिता परमेश्वर ने। इतना मांग रही हूं पिता परमेश्वर तो उसके उल्टे ही किया चला जा रहा है। कोई परिस्थितियां बदलने का नाम ही नहीं लेती। इसी तरीके से ये लोग भी जो यात्रा में निकले थे, ये लोग भी बहुत तकलीफों से गुजर रहे होंगे, पर इनकी आंखें सदैव पिता परमेश्वर पर लगी रही। हो सकता है वहां पर कोई बीमार हो गए होंगे, हो सकता है किसी को बहुत तकलीफ हो गई होगी, या हो सकता है मार्ग पर चलते चलते वो गिर गए होंगे, क्यों तकलीफ नहीं आई होगी उन पर फिर भी उनका भरोसा केवल और केवल पहाड़ के भी ऊपर रहने वाले स्वर्गीय स्थान, जो लिखा है कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर वे आंखें लगाते हैं, विनती करते हैं, विनती करते हैं, विनती करते हैं, और परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है। हम जरूर बोलते हैं कि हमारी परिस्थिति अगर सकारात्मक होती है ना, हम बहुत परमेश्वर का नाम लेते हैं, बहुत गवाहियां, हमारे यहाँ गवाहियां भी जितनी होती है ना, 99% यही गवाही होती है कि मेरे को ऐसा मिला, मेरे को वो हो गया, मेरे को वो हो गया, मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, मेरे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, ये बताना बड़ा जरूरी होता है। अरे कहीं पे भी रहे, वो परमेश्वर के भवन में अगर हैं तो वो चीज फॉरेन से कम नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर हम परमेश्वर के पांव के नीचे अगर इबादत कर रहे हैं, हम अगर किसी दुखी के लिए गड़गड़ाहट से प्रेयर कर रहे हैं, वो स्वर्गीय स्थान से कम नहीं है। उसके सामने फॉरेन क्या है, उसके सामने विदेश क्या है। मैं भी कह सकती हूँ, मेरी बेटी तो ऐसी परिस्थिति में गई, 2013 में गई, जब अमेरिका जाना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, पर पिता परमेश्वर की योजना, पिता परमेश्वर की योजना, उसमें हम ये ना कहें कि मेरी बेटी फॉरेन में है। मैं ये कहती हूं कि मेरी बेटी अगर पिता परमेश्वर से डर के चलती है तो वो फॉरेन में रहे या इंडिया में रहे, वो परमेश्वर के लिए उतनी ही प्यारी है। चाहे वो कोई गांव में रहे, वो परमेश्वर के लिए उतनी ही प्यारी है। परमेश्वर फॉरेनर्स को उठा लेगा और हमको छोड़ देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
तो इसलिए हम देखते हैं कि हम जब हमारी आंखें उस समय उसकी असहनीय परिस्थितियों से हटकर और अपने आप को भूलकर सिर्फ परमेश्वर की ओर लगी है। ऐसा नहीं कि हर किसी के ऊपर विपरीत परिस्थितियां आती है और उस समय हम परमेश्वर से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही उसमें इतने फंस जाते हैं कि हमारे पास में परमेश्वर के पास जाने के लिए समय नहीं होता। पर पिता परमेश्वर ऐसे में भी हमें मार्ग दिखाता है, ऐसे में भी वो हमें अपनी शरण में लेता है। जब हम बिस्तर पे जाते हैं ना, उस समय हमको एहसास होता है कि नहीं, आज मैंने ये गलत बोली, क्योंकि परिस्थिति ने मुझको वैसा बुलाया। तो हम उस समय स्वर्गीय परमेश्वर हमारी राह देखते रहता है कि अभी तो ये बहुत बिजी है अपने बीमार व्यक्ति के साथ में, पर जब ये बिस्तर पर आएगी ना, तब स्वर्गीय पिता हमसे बात करता है, हमको एहसास दिलाता है कि मैंने आज क्या बोल दिया, हमको करेक्ट करता है पिता परमेश्वर। हम क्या उसके पास जाएं, वो हमारे पास आता है जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं। सुख में तो बहुत बातें निकलती हैं हमारे मुख से, कठिन परिस्थितियों में वह आकर हमको संभालता है। जब देखता है कि हम अभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हैं, रिलैक्स तो नहीं होते हैं पर फिर भी, तब हमको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं पिता, मुझको तू माफ़ कर। स्वर्गीय पिता की ओर हम आँख उठाते हैं उस समय, जो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है उसके ऊपर हम आँख उठाते हैं और वो हमसे बात करता है, हमको बतलाता है कि मैंने आज कहाँ गलती करी, और हम वो चीज़ को एहसास करके उसको हम समर्पित होकर हम सचमुच में उसकी अपनी आँखों को उसके ऊपर लगाते हैं और हमने जो स्टेटमेंट किया था या हमने जो भी कुछ समझा था या बोला था उस चीज़ का हम पश्चाताप करते हैं। केवल पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप करना यानी मैं बहुत ही पश्चाताप कर रहा हूँ ऐसा बोलना नहीं, परमेश्वर को अपने पास में बुलाकर परमेश्वर से क्षमा मांगना और पूरे तरीके से पश्चातापी मन से क्षमा मांगना, सिर्फ क्षमा मांगना नहीं। वैसी बातें ये लोग करते हैं कि हे स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। क्या ये वचन को कभी हमने सिंसियरली पढ़ा कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ? कभी हमने अपनी परिस्थितियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आंखें लगाई? हमने देखा कि परिस्थितियाँ परमेश्वर कैसी बदलता है? हो सकता है नहीं बदलती होगी परिस्थिति, नहीं बदलती परिस्थिति, मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं बदलती परिस्थिति और विकराल रूप धारण करती चली जाती है और विकराल रूप धारण करती चली जाती है। और जब आदमी अकेला होता है ना, उसका एहसास वही कर सकता है जो अकेला होता है। 10 लोगों के साथ में रहने वाला व्यक्ति ये एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में और भी हाथ है, और भी लोग हैं उसको देखने के लिए। पर जब अकेला परिस्थिति से लड़ता है, हारता है, गिरता है, सब कुछ होता है, पर पिता परमेश्वर उसके थोड़े से रेस्ट के समय में उसको बचाता है, दूसरे दिन के लिए वो सामर्थ्य देता है, दूसरे दिन के लिए सामर्थ्य देकर उनको खड़ा करता है। यह हम देखते हैं ना कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। ये जो प्रवासी लोग हैं, इनकी दृष्टि में यरूशलेम की यात्रा बहुत बड़ा मायना नहीं रखती थी, क्योंकि ये यरूशलेम की ओर जा रहे थे। तो इन लोगों के लिए यरूशलेम एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, यरूशलेम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, या यरूशलेम का मंदिर उनके लिए महत्व नहीं रखता था कि बड़ा सुंदर मंदिर को हम देखने जा रहे हैं, वो उनके लिए महत्व नहीं रखता। यात्रा के गीत गाने वालों की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं बहुत सुंदर मंदिर को देखने वाली जा रही हूँ। अरे अपनी कार में बैठ के तो तुम एक से एक मंदिर देख लो, बड़े बड़े चर्चेस देख लो, फ्लाइट में बैठ के गोवा में जाकर बड़े बड़े मंदिरों को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाते हैं ना, देखते हैं ना। पर ये लोग जो पैदल जा रहे थे ना यात्रा में,
पैदल पैदल परमेश्वर की स्तुति करते हुए जा रहे थे ना, उन लोग को यरूशलेम को देखने नहीं जा रहे थे भाई, या यरूशलेम के मंदिर को देखने के लिए नहीं जा रहे थे, परंतु वे केवल और केवल केवल और केवल परमेश्वर, उनकी आंखों के सामने उनका जीवता परमेश्वर था, उनकी आंखों के सामने उनका जीवता परमेश्वर और केवल परमेश्वर, जिसका सिंहासन पृथ्वी पर नहीं है, कभी भी पृथ्वी पर उसका सिंहासन नहीं है, वो तो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है, स्वर्ग पर विराजमान है। और इसलिए उन लोगों की आंखें ऊंचे पर लगकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है, कहता है यहाँ पर कि हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, कहीं नहीं लिखा है पृथ्वी पर विराजमान परमेश्वर, कहीं नहीं लिखा है कि वो पृथ्वी पर विराजमान था, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर की ओर उनकी आंखें लगी रहती है। आज हमारी आंखें हमारी धन पे है, हमारी संपत्ति पर है, हमारी प्रेशियस थिंग पे है, हम अपनी आंखों को केवल और केवल स्वर्गीय रूप स्वर्गीय आनंद को देखने की कोशिश नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारा पृथ्वी पर का डेरा अस्थिर है, यहां मन मत लगाओ, ये डेरा तो हिलाया जाएगा, पर हमारा मन पृथ्वी पर ही लगा रहता है। पृथ्वी, हम चाहे 2 घंटा प्रार्थना कर ले, चाहे हम 4 घंटा प्रार्थना कर ले, हमारा मन केवल और केवल पृथ्वी पर ही लगा रहता है। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए, हमारी धन संपत्ति, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का फ्यूचर अगर पूरा हो भी गया, बच्चों की शादी भी हो गई, फिर उसके नाती पोते, फिर उसकी तकलीफें, फिर उसके आदमी का प्रमोशन और फिर लड़की का प्रमोशन, ये सारी की सारी बातें स्वर्गीय बातें नहीं है। इन लोगों की आंखें स्वर्ग में बैसी, हाँ, विराजमान परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। वचन 1 यहीं से शुरू होता है कि स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर की ओर उन्होंने आंखें लगाई थी। हमारा कभी भी आंखें ऊपर पहाड़ के ऊपर जो परमेश्वर का विराजमान सिंहासन है वहां नहीं रहती। टाइम बीइंग हम जरूर बोल देते हैं, पर फिर भी उस समय भी, अरे मैंने वो संदूक का ताला लगाई कि नहीं लगाई, मैंने वो तिजोरी को बंद करी कि नहीं करी, होता है ना, अरे मैंने वो कमरे को ताला लगाई कि नहीं लगाई, वहां तो सारे प्रेशियस चीजें पड़ी हुई है मेरी, मैं की क्या, मैंने क्या की उस समय, मैंने क्या की, स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाई कि पृथ्वी के इसके ऊपर ध्यान लगाई। जरूर प्रार्थना जरूर कर रही हूं मैं, वचन भी जरूर सुना रही हूं, पर मेरा ध्यान लगा हुआ है पृथ्वी के धन संपत्ति की ओर। तो इसलिए दूसरा जो वचन, अभी इसके ऊपर बोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, जो दूसरा जो वचन है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करें। पैदल पैदल जा रहे हैं भला ये लोग, फिर मैं बता रही हूँ, पैदल पैदल जा रहे हैं ये लोग, फिर भी ये लोग परमेश्वर को पूरे तरीके से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हुए और कितने सुंदर वचन को बोलते हुए जाते हैं कि हमारी आंखें केवल और केवल परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहेगी। जैसे इसमें दास और दासियों का वर्णन किया गया है, दासियां और दास जैसे होते हैं, जो उनके जो मालिक होते हैं, पहले के समय में तो जरा ये ज़्यादा ही होता है, जो उनके मास्टर्स होते थे, जिनके घर में ये गुलाम बनकर रहते थे, वो लोग पूरे तरीके से अपने मास्टर की ओर ध्यान देते थे कि मेरे मास्टर को कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, अगर वो खाली, अगर समझो वो खाने के टेबल पर बैठा है तो ये लोग पूरे तरीके से अलर्ट रहते थे कि कहीं मेरे मालिक को कुछ चाहिए तो नहीं, कहीं मेरे मालिक के पास में ये तो नहीं ख़त्म हो गया। वो मालिक के ख़त्म होने के पहले ही उन लोगों को सर्व करते थे और ये उनकी उनकी जो
आवश्यकताएं होती है, सिर्फ मैं खाने के टेबल की बात नहीं करती हूँ, बाकी के इसमें भी उनकी जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए ये लोग बड़े सतर्क रहते थे कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है दास दासियों का, वो इसलिए किया गया है कि उससे हम समझ जाएं कि हमको किस तरीके से अपने परमेश्वर के साथ में ये करना है। ये मैं बाद में बोलती हूँ। तो आंखें उसके उसके हल्के से इंडिकेशन पे, मालिक के हल्के से इंडिकेशन पे उनको समझ में आ जाता है कि उसके मालिक को क्या चाहिए है ना। हल्के से इंडिकेशन से वो समझ जाते हैं कि मालिक को क्या चाहिए। ये तो पृथ्वी का मालिक है और ये पृथ्वी के दास और दासियां हैं। हमारे परमेश्वर ने हमको दास नहीं बनाया, हमारे परमेश्वर ने हमको दासियां नहीं बनाया, बल्कि उसने बराबरी में हमको स्थान दिया, अपने बराबरी में उसने अपने हमको रखा। उसने कहा जो काम मैं करता हूं ना उससे भी बड़े बड़े काम तो करेगा। तेरा मन व्याकुल ना हो, हर समय उसको मालूम है मैं क्रूस के ऊपर चढ़ने जा रहा, उस समय भी बोलता है तेरा मन व्याकुल ना हो। फिर बोल जहां मैं जाता हूं वहां तुझे भी मैं ले जाऊंगा। मालिक बोलता है क्या ऐसा? शारीरिक मालिक हमको ऐसा बोलता है क्या? तो पर जिस तरीके से हम शरीर में रहते हुए जब ऑफिस में काम करते हैं हम, है ना, आजकल तो दास और दासी के प्रथा नहीं है, परंतु जब हम ऑफिस में काम करते हैं ना, हमारे बॉस को भी खुश करने के लिए हम लोग एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं। कह रहे वो तो बॉस को बहुत खुश कर रहा है, उसको तो प्रमोशन मिल जाएगा, उसकी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि वो बॉस की तो कितनी हाँ जी हाँ जी करता है, या उसके घर में खाना पहुँचाता है, जो भी कुछ है, यह हर जगह है। हम भी नौकरी करते थे, हमको भी मालूम है किस तरीके से हाजी हाजी नहीं करने वाले को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये सब मालिक जो है ना, ये पृथ्वी के हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। तो हम देखते हैं कि एकाग्रता से जिस तरीके से दास और दासियों की आंखें अपने मास्टर पर लगी होती है, उसी तीव्रता और भक्ति और दृढ़ता के साथ वो उनकी सेवा करते हैं जगिक मालिक की। तो क्या ये जो भजनकार जो लोग हैं ना, ये जो भजन करते हुए यात्रा में निकले हुए हैं, वो लोग उसी तीव्रता के साथ में, उसी भक्ति के साथ में और उसी दृढ़ता के साथ में भजन करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए जा रहे थे? वो ज्यादा अच्छे हैं कि हम जो जगिक स्वामी को खुश करते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं? कौन अच्छा है? आप खुद सोचिए। जगिक स्वामी के हम जो इतनी वो करते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, उनको किसी भी चीज से ना खुश नहीं कर सकते हम उनको, हम उनके हर बातों को सुनते हैं। उनके घर में कोई फंक्शन है हमको जाना ही पड़ता है, वही अगर हमारे कोई गरीब फ्रेंड के घर में अगर उसी दिन फंक्शन रहा ना, हम नहीं जाते, क्योंकि वहां क्या मिलेगा हमको भाई। हमारे डायरेक्टर के घर में जब कुछ होता है तो हमको डायरेक्टर के घर में जाना जरूरी है भाई, क्योंकि डायरेक्टर के घर में अगर हम नहीं जाएंगे तो डायरेक्टर हमसे नाराज हो जाएगा। क्या हम परमेश्वर के भवन में इस लगन से जाते हैं कि जाने दो, जैसे ही जल्दी से उठे, जल्दी से अपना नाश्ता वाश्ता करे और परमेश्वर के भवन में चले गए? हमको तो एक घंटा तो सजने में समय लग जाता, आउटर लुक को देखने में हमारा एक घंटा चले जाता, अब फिर उसके बाद में आराम से हम परमेश्वर के भवन में पहुंचते। कई बार तो बिल्कुल वचन खत्म होने के कुछ देर पहले कई लोग अंतिम प्रार्थना में पहुंचते हैं। तो वो परमेश्वर के भवन की ओर है क्या? वो परमेश्वर के भवन के तरफ जाने की हमारी जिज्ञासा है क्या? उसको हम जिज्ञासा बोलेंगे क्या? क्या हमारा जीवन कैसा है जबकि परमेश्वर ने हमको दास और दासी नहीं बनाया? दास और दासी तो अपने स्वामी के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकते थे। जब हम भी जब काम करते हैं कहीं पे, हम अपने बॉस को या हमारे डायरेक्टर को ऐसी आंख से आंख मिलाकर हम उससे बात नहीं कर सकते,
हमको थोड़ा सा उनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना, जगिक व्यक्ति का जो नश्वर है और मैं भी नश्वर हूँ, पर मैं उसको ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे परमेश्वर का क्या है, एक घंटे का, डेढ़ घंटे के चर्च में एक घंटा तो हमको ऐसे ही लग जाता है, आधे घंटे में हम चले जाते हैं, लगे तो बाद में हम बहुत देर बात कर सकते लोगों से, क्योंकि हम खाना वाना भी पूरी तैयारी करके चले जाते हैं, रात को हम पूरा मटन वटन ले आते हैं, उसको उबाल भी देते हैं, मसाले की तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं अपने शारीरिक भोजन के लिए, हम शारीरिक भोजन की तैयारी करते हैं, आत्मिक भोजन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। संडे को चर्च है, शनिवार को हम सब मटन भी ले आते हैं, मसाला भी ले आते हैं, पूरा प्रिपेयर कर देते हैं पूरी तरीके से, कोई लोग तो उसको बनाकर भी आते हैं। हमारा ध्यान हमारे खाने पे है, जगिक भोजन पे है हमारा ध्यान। और ये जो प्रवासी हैं, ये लोगों को देखो कि ये लोग क्या बोलते हैं, कि हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा को और उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। ये है उनका उद्देश्य, ये है उनका एम, ये है उनका एम कि जब तक वो मुझ पर अनुग्रह न करे। यहाँ तो हमको मालूम है कि पिता परमेश्वर तो ऐसी बैठा हुआ है, हम पर अनुग्रह करता ही छे, हम तो अनुग्रह के काल में है भाई, उसको तो करना ही है हम पे अनुग्रह। क्या हमारी सोच है, ऐसा हम सोचते हैं कि वो हमारा दास है, हम उसके मालिक हैं। अपने मन से हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, अपने मन से जब हमको इच्छा होगी हम बाइबल पढ़ेंगे। हमको इस तरीके से एक भी क्षण का समय, यानी कहने का मतलब वेस्ट ना करते हुए, मैं तो वेस्ट बोलूंगी उसको, वेस्ट ना करते हुए और जो आज्ञा परमेश्वर हमको देता है उसको हम पूरे तरीके से अपने मुट्ठी में बांध ले और उसके अनुसार हमको आज काम करना है, उसके अनुसार आज हमको चलना है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़दीकी में हमको आज्ञा का पालन करते हुए उसके साथ साथ में चलना है। अभी मैं जल्दी से बता दूंगी कि हमको किस तरीके से परमेश्वर के इसमें चलना है, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। एक है सबमिशन, सबमिशन ये हर कोई जानता है, रिस्पेक्टफुली सबमिशन, सिर्फ सबमिशन नहीं, मैं तो सबमिट होती हूँ परमेश्वर, मेरा खाना पीना, लोगों से बातचीत करना, सब होने के बाद में, टीवी देखने के बाद में, मेरे चाहे दो तीन इंच क्यों इम्पोर्टेंट सीरियल क्यों ना हो, मैं सब देख के तेरे पास आती तो हूँ, सबमिट तो होती हूँ मैं परमेश्वर, तेरे को धन्यवाद देती हूँ, मेरा आज का दिन तूने बड़े अच्छे से गुजारा और कल का आने वाले दिन को भी तू मेरा अच्छे से गुजार, मुझको जो आज आशीषें दी उससे भी ज़्यादा आशीष मेरे को कल दे, यह हमारी प्रार्थना होती है। तो ये सबमिशन है क्या, और रिस्पेक्टफुली सबमिशन है क्या, हम तो उसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमारा जो सबमिशन है वो पूरे तरीके से हमको उसमें समर्पण होना है, पूरे तरीके से हमको समर्पित होना है, उससे मांगने से पहले, परमेश्वर से मांगने से पहले हमारा कर्तव्य है कि हम रिस्पेक्टफुली अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर पे समर्पित हो जाए, जिसने हमको सब कुछ दिया, जिसने हमको आज का दिन दिया, जिसने हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है भाई, जिसके लिए हम इतने व्यथित होगे क्या होगा। पर किसी तरीके से, किसी के जरिए जब हमको पता पड़ता है, हम सोचते हैं जाने दो, और उस समय हम अपने सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, पूरे तरीके से परमेश्वर पे सबमिट हो जाते हैं और क्या बोलने, बड़े नम्र होकर हम सबमिट करते हैं अपने आप को, और रातों की नींद भी हम बड़े आराम से सो जाते हैं। एक दिन हमको अपने ही लोगों से ऐसी खबर मिलती है कि मेरी परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था ना, जाने दो, जिसको जो संसार का सुख चाहिए वो ले ले, पर
परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर हमसे यही देखता है, केवल और केवल हमसे परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा सबमिशन कैसा है, क्या मैं पृथ्वी पे भी सबमिट हो रही हूँ और परमेश्वर के साथ में भी सबमिट हो रही हूँ, हर चीज में मेरा सबमिशन है, पृथ्वी पर भी और स्वर्गलोक पर भी। परमेश्वर जब मेरे को उठा लेगा ना, मेरे को समझेगा भी नहीं कि मैंने क्या क्या गलतियां की। इसलिए हम पूरे तरीके से परमेश्वर पे अपने आप को कंप्लीट न्योछावर कर ले, 100% न्योछावर कर ले। दूसरा है डिसिप्लिन, बहुत जरूरी है, जरूरी है कि हमको परमेश्वर के साथ में पूरी तरीके से डिसिप्लिन बना के रखना है। डिसिप्लिन यानी ऐसा नहीं कि वो छड़ी लेकर बैठा हुआ है। जैसे हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना रखना सिखाते हैं, छुटपन से सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, हम जैसे ही वो पैदा होता है उस दिन से हम उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। समय पे उसको दूध मांगता है, भूखा हो जाता है, हम नहीं देते उसको दूध, उसके समय को हम बांध के रखते हैं, रोया और दे दिया, रोया और दे दिया, नहीं करते हम। ये कैसा समझता हमको, बच्चा भी बाद में आगे समझ जाता है कि नहीं, मेरे को मेरे ही समय पे दूध मिलेगा, और उसके बाद ही वो रोता है, वो भी सब समझता है फिर बाद में। तो ये डिसिप्लिन जो है, अगर हम परमेश्वर के साथ में, कई बार ऐसी कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि वो हमको सही दिशा में नहीं ले जाना चाहती, पर अगर हम डिसिप्लिन के वे में रहे, अगर हम पिता परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहे, तो कोई परिस्थिति हमको इधर से उधर नहीं कर सकती। प्रियो, ये आप आजमा लीजिए, जिस तरीके से हमारे बच्चे को हम डिसिप्लिन लगाते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच्चे ने हमारे बातों को सुनना चाहिए, अच्छी चीज हम उसको सिखाते हैं। पिता परमेश्वर भी अपने वचन से हमको अच्छी चीजें सिखाता है, चार ही वचन है, अच्छी चीजें सिखाता है, बुरी चीजें नहीं सिखाता। पर परमेश्वर का हमको पूरी तरीके से आदर, भाई योग्य आदर हमको करना है, उसके समय को हमको पहचानना है, हम कौन से समय में चल रहे हैं ये हमको पहचानना है, और ये हम तभी पहचान पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, तभी वो परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करेगा और वो हमको सही मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर के पास मदद मांगने के पूरे तरीके से उस पर हम निर्भर हो जाएं, सिर्फ मदद 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 मदद, कोई जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, उस पर निर्भर तो हो जाएं पहले, उसके अधीन तो हो जाएं हम पूरे तरीके से, उसके आज्ञाकारिता में तो रहें हम, है ना। तीसरा वही है, आज्ञाकारिता में रहना, पूरे तरीके से परमेश्वर का हम आज्ञाओं का पालन करें। जिस तरीके से जब स्कूल में बच्चा जाता है उसको अपने टीचर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, हम जब ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, हमारे बॉस के आज्ञा का पालन हमको करना पड़ता है, वहां हमको पैसा मिलता है ना, इसलिए वो हम करते हैं। बच्चों को भी हम आज्ञाकारिता के बारे में सिखाते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, उसकी क्या आज्ञा मानना, वो तो खुद ही बेचारा हमारे पास में आकर बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। हम तो वो बच्चे हैं बिगड़े हुए, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, वो बच्चे हैं हम। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमको श्रद्धा पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और विनम्र रूप से उसके सामने जाना है, ढीठ बन के नहीं। परमेश्वर तू दे, तू बोलता है ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो दे, ये ढीठ हो गया, ये विनम्रता नहीं है, ये आज्ञाकारिता नहीं है, और हमको अकेले में जाकर परमेश्वर से विनती करना है। सबके साथ में प्रेयर करना अलग बात है, पर जब हम अपने कमरे में बंद होकर प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारी विनती को सुनता है, और तब हम
हम ये सारी जो जितनी भी मैंने बातें बताई उस चीज़ का हम पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तीन और चार तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, उसका मैं छोटा सा बता दूंगी कि अहंकार अपमान, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा हम पर अनुग्रह करे, अपमान से बहुत ही भर गए हमारे जीव, सुखी लोगों के लिए ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है। हम पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कई लोग हमको दबाना चाहते हैं, कई लोग हमारे साथ में गलत काम करते हैं क्रिश्चियन समझ के कि ये लोग किसी को कुछ बोलते नहीं, हमारे साथ में गलत काम करते हैं, हमारे साथ में ढिढाई करते हैं, हमारी बदनामी करते हैं और अपमान करने का एक भी मौका हमारे साथ में वो लोग छोड़ते नहीं हैं जब वो समझते हैं कि दे आर क्रिश्चियंस। होता है ऐसा, इस चीज से हम सैचुरेटेड हो जाते हैं, इस चीज से हम सैचुरेटेड हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यह हमारे साथ में ही क्यों, पर पिता परमेश्वर उस समय भी हमको नहीं छोड़ता। आप उसके बारे में हमको परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भरता से सौंप देना है, अपने आप का सबमिशन करना है, चाहे हमारा कितना भी अपमान क्यों ना हो रहा हो। यीशु मसीह का भी बहुत अपमान हुआ, हम सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन को पूरे तरीके से परमेश्वर पे सौंप के ये 123 का 1 से 4 भी अगर हम सीख लेना तो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमसे खुश होगा, ज़रूर खुश होगा कि 1 से 4 में 123 1 और 4 में जीवन का सार है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए। ज़रूर पिता परमेश्वर ये अध्याय बहुत छोटा सा है पिता परमेश्वर, पर छोटे से अध्याय को अगर हम समझ जाएँ उसके अनुसार ही अगर हम चलने लगे पिता तो हमारे लिए पिता परमेश्वर आगे बढ़ने का ये एक अच्छा मार्ग है। पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने अपमान को, अपने पिता परमेश्वर जो भी हमारे साथ में ढिढाई हुई है, जो भी कुछ हुआ है पिता, उन सब चीज़ों को हम भूल जाएं पिता। और आप ही का वचन कहता है कि अपने दोषी को तू माफ़ कर, इसलिए पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं चाहे हमारे विरुद्ध में कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बलवा क्यों ना करे, परंतु पिता परमेश्वर हम सबको छोड़कर केवल और केवल आपके ओर आंखें उठाए। और एक दिन ऐसी वो परिस्थिति बदल जाती है पिता परमेश्वर कि वो व्यक्ति ही हमारे साथ में पिता परमेश्वर हमारे लिए बातें करता है पिता परमेश्वर, हमारे लिए पिता परमेश्वर लोगों से कहता है पिता, हमारी बुराइयां नहीं करता पिता। ये परिस्थितियों को बदलने में समय ज़रूर लगता है पर पिता परमेश्वर हमको पूरे तरीके से यीशु मसीह के ऊपर आंखें लगा के रखना है। हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहे पिता, हमारी आंखें पृथ्वी पर ना लगे बल्कि हम स्वर्गीय इच्छा को, परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को जानकर उसको पूरे तरीके से उसके ऊपर पिता परमेश्वर हम मनन करके, अध्ययन करके और अपने जीवन में उसको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से कार्यान्वित करने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पिता परमेश्वर मुझको आगरा मसीह मंडल में बुलाकर आपके वचन को सुनाने का मौका दिया। पिता इस पिता परमेश्वर पवित्र संगति के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर ने जहाँ ये मुझको वचन दिया उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज जो मुझसे बात किया और जो भी कुछ मुझको सही राह दिखाई उस राह पर मुझको चलाए और उस राह पर चलने के लिए मैं प्रार्थना में लगी रहूँ। प्रेज़ द गॉड।